Hey guys, subscribe कीजिए और bell icon को दबाइए। जय माँ भवानी, जय लोधेश्वर महादेव। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके YouTube चैनल लोधी रिएक्शन में। मैं अनिल सिंह राजपूत और एडवोकेट संजय सिंह लोधी जी हाजिर हैं फिर एक वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है ये किसी का है डर, ऐसे होते राजपूत सबको खबर। हम ऐसे दिलदार, सभी से है प्यार, कैसी भी हो नौबत सीना तान के तैयार। दोस्तों, क्षत्रियों में ऐसी अनेक उपाधियां हैं जो सूरवीर, अदम्य साहसी, विशेष युद्ध कला में प्रवीण, वीर सेना नायकों और सामंतों को उनके गुणों के आधार पर दी जाती थी। जैसे रावत, महारावत, राणा, महाराणा, ठाकुर, नेगी, रावर, लखमीर आदि। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार रोहिल्ला भी एक उपाधि है और ये उपाधि उन वीरों को दी जाती थी जो वीर हो, साहसी हो, युद्ध कला और व्यूह रचना में निपुण हो। उसे ही रोहिल्ला की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। और इस रोहिल्ला उपाधि से सम्मानित विभिन्न क्षत्रिय वंशों ने अपनी खुद की एक अलग जाति बना ली और अपने को रोहिल्ला क्षत्रिय राजपूत कहने लगे। चूंकि दोस्तों रोहिल्ला एक उपाधि भी है और ये विभिन्न वंश के योद्धाओं को मिली हुई थी, इसलिए आज भी इन वंशों के नाम इनमें गोत्रों के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, रोहिल्ला वंश का इतिहास इतना प्राचीन है कि बिना इनका इतिहास जाने भारत के इतिहास का ज्ञान अधूरा है। रोहिल्ला राजपूतों ने समय समय पर भारत माता को विभिन्न वीर व वीरांगनाएं दी हैं, जिन्होंने समय आने पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था इसकी रक्षा के लिए, जिनमें से कुछ के नाम तो इतिहास में दर्ज हो गए और कुछ इतिहास बन गए। अब इसे इतिहासकारों की विडंबना कहें या पक्षपात कि जिन वंशों ने सदैव इस भारत भूमि की रक्षा करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया, जो कि सरासर गलत बात थी। दोस्तों, रोहिल्ला वंश में अनेक राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, जिसमें प्रमुख नाम है राजा राम सिंह, जिन्हें राम शाही भी कहा जाता है, राजा रायमान, राजा विजयराज, करणचंद, विग्रहराज, सामंत सिंह, कुंवर गणपाल, राजा जगमाल, जंगरा भीम, कठायत, जिंगतराव, गोकुल सिंह, नौरंगदेव, महासहाय, व्रतपाल, हरिश्चंद्र, त्रिलोकचंद, रणवीर सिंह, खड़क सिंह, हरी सिंह, नरपत राव, जगत सिंह, बांसदेव, बरलदेव, रामसुख, राज सिंह, मित्रसेन, परमदित्य, न्यायदर चंद, महीचंद्र, जिन्हें महिपाल सिंह भी कहा जाता है, महान सिंह बड़गुज्जर और राजा इंद्रसेन हरनंद, इन्हें इंद्रगिरी भी कहा जाता है, जिनके यहाँ 1730 ईस्वी में अली मोहम्मद नामक पठान ने नौकरी की और धोखे से राजा इंद्रसेन का कत्ल कर 1742 में रोहिलखंड पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, सहारनपुर के रोहिल्ला किले का निर्माण भी राजा इंद्रसेन जी ने ही करवाया था, जो सन 1702 से 1707 के बीच मध्य हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने 1806 से 1858 तक जेल के रूप में उपयोग किया था। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध रोहिलखंड रोहिल्ला राजपूत राजाओं द्वारा ही बसाया गया है। रोहिलखंड को रोहिल्ला जाति के राजाओं ने अपने खून, त्याग, बलिदान और पसीने से सींचा है, इसलिए आज भी रोहिलखंड का कण कण अपने इन वीर सपूतों की यादों को अपने अंदर संजोए हुए है और लोगों को गर्व से चिल्ला चिल्ला कर भारत के इन वीर सपूतों
की कहानियां सुना रहा है। लोधी रिएक्शन क्षत्रिय यूट्यूब चैनल की पूरी टीम भारत के इन वीर सपूतों को बारंबार नमन करती है। दोस्तों, वर्तमान में रोहिल्ला राजपूतों को हरियाणा सरकार ने OBC में शामिल किया हुआ है। आशा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।